नमस्कार। फिर से कुछ फोटो आ रहे हैं जिसमें सरसों की जड़ गल के सरसों खत्म हो रही है और कुछ किसान साथियों ने पूछा कि साहब इसमें हम क्या दवा दारू करें कि ये ठीक हो जाए। मैंने ज़्यादातर ये पाया है कि ये जो आपकी सरसों खत्म हो रही है ये ज़्यादा पानी लगने की वजह से हुआ है। खासकर जो भारी ज़मीनें हैं उनके अंदर छोटी सरसों में ज़्यादा हैवी वाटरिंग हो गई है, ज़्यादा पानी लग गया है तो वो सरसों आपकी ख़त्म हो गई है। ऐसे में होता ये है कि वो ज़्यादा पानी लगने से वहाँ रूट क्षेत्र में, जड़ क्षेत्र में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए पौधा एक दो दिन तो वैसे ही ऑक्सीजन की नहीं मिल पाती, इसलिए रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है। और दूसरा उसके बाद में उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं क्योंकि इतनी सारी फंगस ज़मीन में रहती हैं, इसलिए तो ज़मीन को ब्लैक बॉक्स कहते हैं, तो वो अटैक कर देती हैं, इसलिए वो आपके पौधे मरते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, दवा दारू करने से बहुत तगड़े कोई फायदे आपको होने नहीं वाले हैं, तो इसलिए एक तो आप ये सावधानी रखें कि सरसों में आप हैवी वाटरिंग ना करें। आपके भारी ज़मीनें हैं, नीचे की ज़मीनें हैं जहाँ पानी ज़्यादा लगता ही है, तो उस केस में आप सरसों को थोड़ा बड़ा होने दें। और दूसरा, यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि आप यूरिया में मिला के और ये जो बास्टिन आती है कार्बेंडाजिम 50% WP, ये आप 1 किलो इसकी अनुशंसा होती है वैसे तो, पर इससे थोड़ा सवाया या डेढ़ा लेके और यूरिया में मिला के इसको फेंक देंगे तो आपको थोड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, तो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसमें थोड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है, पर बहुत प्रभावी ये चीज़ नहीं है। आपने कहीं कहीं सुना होगा स्प्रे कर दो, स्प्रे कर दो, आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा आपके काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पानी लगाते टाइम में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी यूजफुल होगा। और हमेशा आप किसी दवा का नाम सुनने में या कुछ स्प्रे में, कुछ हाई पावर लो पावर ये सुनने में ही आप आतुर ना रहें, प्लीज़ अनाप शनाप खर्चा ना करें और आप इरिगेशन में थोड़ा ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। आपको ये जानकारी ठीक लगती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद।